अब इनसे हमारी कोई नफरत नहीं, आओ गले मिलते हैं। बिल्कुल, ये देखिए भाई सारे ताले मार रहा हूं। हम गले मिले क्या आपत्ति है हमें, आपके सामने मैं दिखाता हूँ कट्टरपन नहीं है भाई। चल बोल देते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुस्लिम भाई है, किसी को भी घुसेरे आ रही है ममता बनर्जी, ये आएंगे साथ में AK-47 लेके आएंगे, आने वाले समय में ये इस देश के लिए बवासीर बनेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे। मुसलमान मुसलमान होता है, मुसलमान नहीं है तो इंसानियत तो हर आदमी के अंदर होती है। मुसलमानों के अंदर एक इंसानियत बताइए, अल्लाह अकबर करके मुसलमानों को गोली मारना, नहीं अल्लाह अकबर करके मुसलमान AK-47 लेके हिंदुओं को मार दे। भाई साहब आप बताइए जम्मू कश्मीर के हालात में वो मुसलमानों ने किया, एक मुसलमान बताइए जो आके हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ाओ। देश की स्वतंत्रता में भी तो मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया ना भैया, तो ले तो लिए, देश का खंड हुआ, देश का खंड हुआ। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी गलती आपके चैनल सामने कह रहा हूँ भाई साहब, बंटवारा भी कर दिए, देश का एक बड़ी से बड़ा आबादी वाला क्षेत्र दे दिए, दूसरी बात आप उनको पैसा भी दे दिया, तीसरी बात आप बहुत दयावान बन के कह रहे हैं जिसको रहना है रहे जिसको जाना है जाए, आज वो समस्या हम आप भुगत रहे हैं। आप बताइए अगर ये आपकी शरीर है कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे पेट में जाएगा, कब्ज बनेगा, कब्ज बनेगा तो बवासीर होगी। अब आप अपने देश में किसी को भी घुसेरे आ रही है ममता बनर्जी, ये आएंगे साथ में AK-47 लेके आएंगे, आने वाले समय में ये इस देश के लिए बवासीर बनेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, गुण आतंका होने तय हैं, इन्हें के कारण होंगे। देश को उनकी जान को खतरा है तो बेचारे कहीं तो शरण लेंगे ना, नहीं मुसलमानों के जान को खतरा है अभी कोई भी हो सकता है, कोई भी नहीं। देखिए आदर्शवादी वाली बात अब इस देश में होनी नहीं चाहिए, आदर्शवाद के चक्कर में आज हमने पता नहीं क्या क्या खोया है और आगे भी खोते जाएंगे अगर हम सतर्क नहीं हुए। आज पश्चिम बंगाल की हालत देखिए, केरला की हालत देखिए, ठीक है बार बार सवाल यही पूछा जाता है, नहीं बार बार सवाल यही है, अगर सब एक जैसे नहीं होते तो जो गाय का गर्दन काट कर हिमाचल प्रदेश से वीडियो वायरल करता है उसके खिलाफ एक मुसलमान क्यों नहीं बोलता, वैसे क्यों नहीं बोलता, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते, प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोलते। मुसलमान द्वारा अयोध्या में, मुसलमान द्वारा अयोध्या में दलित लड़की का बलात्कार होता है, कोई विपक्ष का नेता क्यों नहीं बोलता, विपक्ष का नेता अयोध्या में क्यों नहीं जाता, आप बताइए। इसका भी तो जवाब हमें मांगना होगा, अब आवश्यकता है हिंदुओं को एक होने को, हिंदुओं को संगठित होने की, हिंदुओं को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चाचा वो ठीक है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति धर्म से अलग हटकर सबको साथ साथ लेके चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। नहीं हमने कब कहा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं AK-47 वालों को ना मारे। दिल्ली में पकड़ा गया ना एक अब्दुल, पकड़ा गया अब्दुल का चचेरा भाई, पकड़ा गया अब्दुल का चचेरा भाई कौन, अब्दुल का फूफी का लड़का पकड़ा गया अब्दुल भाई दिल्ली, इसीलिए कहते हैं ना आप लोगों को जब अब्दुल का चचेरा भाई अब्दुल का फुफेरा भाई पकड़ा जाएगा पता नहीं चलेगा आपको, तो जब राहुल गांधी कहेंगे वो देखो हिंदू हाथ में फूल लिया है, वो फूल नहीं वो बम है, मुसलमान को लग जाएगा, मुसलमान मर जाएगा, और जब मुसलमान AK-47 लेकर दगदगा के चला जाता है तो यही कांग्रेस वाले कहते हैं देखो क्या फूल बरसा के गया है हमारा मुसलमान भाई, शांति दूत है, और ये शांति दूत बन के उसके लिए दुकान भी खोल देते हैं। हमें आपको बचने की आवश्यकता है। अभी आपने क्या कहा, आपके ये सारे सवाल जानते हैं चुभते हैं अब हमारे हिंदुओं के ऊपर, अब आदर्शवादी हम कैसे हो सकते हैं, हमने हर विधा से अपनी संपत्ति खोई, अपने ऊपर विपत्ति आई इनकी रक्षा करते गए, ये इस देश का खंड खंड कर गए, अब कैसे भूल सकते हैं जब राहुल से भरी भरी ट्रेन खून से लथपथ होकर भारत आती थी, कैसे आप भूल सकते हैं वो दिन वो दंगे, दोनों तरफ से हुआ ना कत्लेआम तो उस समय, अरे रुकिए रुकिए, इसीलिए हम कहते हैं 75 थप्पड़ आपके चेहरे में मारा गया, हम केवल उबा भी दिए तो हम सबसे अधिक दोषी हो गए, ऐसे आदर्शवादी नहीं होना है, हमें इस आदर्शवाद के झंझर से बचना है और खुद को बचाए रखना है। ठीक है सब चाहते हैं कि शांति रहे इस देश में, भाईचारा रहे और सब एक साथ मिलकर ग्रोथ करें, लेकिन ये वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो फिर अपोजिशन का कहना है या मुसलमानों का कहना कि इससे हिंदू मुस्लिम बढ़ेगा। देखिए वक्फ बोर्ड लाने के पीछे एक ही कारण है, इस देश से आतंकवाद जिहाद दंगा फसाद को बैन करना है, इसलिए नहीं करना है कि मुसलमानों को प्रतिबंधित। CNRC में भी इनकी छाती फाटी थी, CNRC में मुसलमान कहाँ खतरे से आया, आज जिसके लिए CNRC लाया गया था वो खतरे में था या नहीं था, बांग्लादेश में लाया गया खतरे में था या नहीं था, नोटिस करिए खतरे में था या नहीं था, उसी के लिए लाया गया, मुसलमान मारा गया एको नहीं मारा गया ना, इसीलिए CNRC लाया गया था, वहाँ भी मुसलमान घुस गए, 3 तलाक आया मुस्लिम महिलाओं के हित में था वहाँ भी घुस गया विपक्ष, जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, वहाँ 370 हटने के बाद वहाँ के हालात अच्छे हुए ना, आतंकवादी घटना तो अभी भी हो रही है देखिए इसीलिए हम कहते हैं हमें समझने की आवश्यकता है, आतंकवादी घटनाएं तब ज़्यादा होती हैं जब हमारे देश में विपक्ष को मजबूती मिलती है,
विपक्ष कराता है। कौन सी बात है, अरे भाई होने चाहिए लोकतंत्र मजबूत। नहीं नहीं, अगर विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत होता है तो पाकिस्तान के झंडे क्यों लहराए जाते हैं, आप मुझे बताइए। अगर विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत होता है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं। अगर विपक्ष भारत में मजबूत होता है तो चीन और पाकिस्तान में मिठाई, तानाशाही शुरू हो जाए इस देश में। तानाशाही की बात नहीं की गई, हम इस देश को एक सकारात्मक रवैये से ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमें और हमारी सेना को इतना अधिकार होना चाहिए हम कसाब को ठिकाने लगा दें। कसाब को ठिकाने लगाने का हमारा काम होना चाहिए, और कसाब को अगर हम ठिकाने लगाएं तो इस देश का कोई भी आदर्शवादी ये ना बोले मुसलमान मारा जा रहा है, कसाब मारा जा रहा है, मुसलमान नहीं मारा जा रहा है। हम कलाम को नहीं मार रहे हैं, हम कसाब को मार रहे हैं। और जब कसाब को मारेंगे तो ये मत कहना कि देखो कलाम ने इस देश में योगदान दिया इसलिए कसाब को मत मारो, नहीं, कसाब का ठिकाना लगेगा, कलाम को बचाया जाएगा। लेकिन अगर कसाब कलाम बन के बैठ गया फिर हम क्या करेंगे, नहीं फिर हम क्या करेंगे। अगर कसाब है ये बोले कि हम कलाम हैं और वो कसाब ही है, एक AK-47 लेके बैठा है, हम क्या करेंगे, अपनी रक्षा ना करें। कोई हमें गोलियों से मारने के लिए तैयार है क्या, हम उसको चाकू का भी भय ना दिखाएं, थप्पड़ भी ना उबाएं, आप बताइए हम मर जाएं, हम अपने लोग सबको अपने जीवन रक्षा का अधिकार। भाई अगर जीवन रक्षा का अधिकार है तो फिर हमें अगर इस देश में हम कुछ ऐसे नियम कानून ला रहे हैं, अच्छा जीवन रक्षा का अधिकार है क्या, संपत्ति रक्षा का अधिकार आपको नहीं है, संपत्ति रक्षा का अधिकार आपको नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत आ जा रही है कि वो आता है आपसे पूछता है कि भाई ये ज़मीन में तुम कब से रह रहे हो, आप बोल रहे हैं 15 साल से, बोले चल हट अब ये ज़मीन मेरी हो गई, ज़मीन रक्षा का अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड के ऊपर इसलिए नियंत्रण रखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी ज़मीन को अपनी ज़मीन घोषित करे तो वो उसका जो न्यायालय हो वो सर्वोच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो। कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ये सब बीजेपी द्वारा फैलाई गई बातें हैं, ऐसा कुछ देखिए वो ऐसी नाम मात्र का बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है नहीं लगता है, विशुद्ध गंवार है। इस देश में हिंदू मुस्लिम करना होगा उसके पास ज्ञान आ जाता है, जब इस देश में एकता की बात आएगी उसका ज्ञान मर जाता है। वो तो एकता की बात करते हैं, अरे उसकी क्या एकता है, फिलिस्तीन जिंदाबाद ये उसकी एकता है, आप बताइए फिलिस्तीन जिंदाबाद ये उसकी एकता है। उसका भाई अकबरुद्दीन कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम दिखा देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी तो इस ना, शुरुआत कौन करता है, शुरुआत कौन करता है आप मुझे बताइए ना, शुरुआत अंतहीन खींचा जाए, फिर इस बात को खींचा ना जाए, इलाज किया जाए ऐसे लोग। भाई अगर वो एकता की बात करते 15 मिनट पुलिस हटाने के लिए क्यों कहते, भाई वो क्यों कहते, उनके यहाँ से गंदे गंदे गालियों वाले बयान क्यों आते। मतलब आप इस देश में धर्म की राजनीति करके गंदे तरीके से लोगों को लड़ाकर इस देश के सत्ता में आना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड का मामला तो बीजेपी लाई ना, इसको जरूरत क्या थी लाने की। वक्फ बोर्ड का मामला इसलिए आया ताकि आपका ये माइक और आपका कैमरा और आपका कार्यालय सुरक्षित रहे, आपका कार्यालय सुरक्षित रहे। हमारे कार्यालय क्या हो जाएगा, वक्फ बोर्ड जाएगा कहेगा हमारा है उसको भी, हाँ और देना पड़ेगा, मजाक ले रहे हैं आप, हम आप भले हंसी टाल दे रहे हैं कि मजाक का विषय है, वक्फ बोर्ड चाह लेगा। भाई आप बताइए, मैंने अभी उदाहरण दिया ना, हाई कोर्ट के कार्यालय में जाके कह रहा है, करे कोई बात नहीं सर, नहीं हम सहमत नहीं है इस बात से, किसी एक की तुलना पूरे भारत से नहीं की जा सकती। इस देश में सब विचार वाले हैं, सबका अपना अपना अलग विचार है, अगर कोई अच्छा सोचता है तो वो अच्छा नागरिक है। इन्होंने क्या कहा, इस देश में सबके विचार एक जैसे हैं, जो कानून लिखा गया है वो सबके लिए एक जैसा होगा ना, जो कानून वक्फ बोर्ड के लिए जो कानून लिखा गया है वो एक होगा। मैं वक्फ बोर्ड पे बोल रहा था तब आपने बोला, आपका नाम क्या है प्लीज एक बार बता दीजिए। मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस, आप ईमानदारी से बताइएगा वहाबी है या सुन्नी है, ईमानदारी से आप सुन्नी है ना, आप ईमानदारी से बताइएगा इस देश में एक वहाबी लड़के को आप ला के खड़ा कर दीजिए जो इस देश में पत्थर लेके खड़ा हुआ हो, जो एक वहाबी महिलाओं को ला दीजिए, वो इतने सभ्य और शरीफ होते हैं, आप खुद जानते हैं वहाबियों को, वहाबी कभी भी उपद्रव करेंगे। राम मंदिर का जो मुद्दा था उससे कोर्ट में ले जाया गया, सुन्नियों ने ले गए, वहाबियों का काम नहीं है। भाई सच्चे इबादत कौन करते, ईमानदारी बताइए, आपके बीच तो मजार आ जाता है सुन्नी भाइयों के बीच, ईमानदारी बताइए मजार में जाके आप प्रार्थना करते हैं, सुन्नी के भाइयों के नहीं आते, सिया भाइयों के लिए आते। अरे भाई सुनिए हैं, सिया सुन्नी में मत बढ़ जाइए, अब आपको बता वहाबी भाइयों के लिए सीधे उनके बीच अल्लाह और कितने सभ्य और शालीन उनका जीवन है, वहाबियों का इस देश में शोषण हुआ है, सबका अपना अपना नहीं, भारत में वहाबी मुसलमान भाइयों का शोषण हुआ है, भाई खुद जानते हैं, वहाबी मुसलमान भाई का एक आप FIR दिखा दीजिए इस देश में, मैं चैलेंज साथ कहता हूँ बोलना बंद कर दूंगा। वक्फ बोर्ड का जो कानून लाया उससे सहमत है नहीं, अब उनका पक्ष जानो ना भैया, उनके ऊपर बोलते हैं, उन्होंने भाई संविधान में जो लिख दिया गया वह बोर्ड के बारे में वो सत्य है, वह बोर्ड को ये अधिकार है, वह बोर्ड अगर इस जगह को आके बोल दे कि हमारी जगह है तो वह बोर्ड का ये हो जाएगा। और अब अगर आपको आपत्ति है तो आप अपना जो केस होगा वो ले जाकर न्यायालय में नहीं ले जा सकते, ये लिखा गया है, वो बोर्ड में ही ले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जानते कौन है, मुसलमान भाई है, पता है कि नहीं, मुसलमान भाई है। अब आप बताइए, मैंने जो बोला वो बोर्ड के बारे में गलत बोला,
ईमानदारी से? नहीं भाई, सही बोल, भाई सही ने बोला। देखिए ये मुस्लिम भाई पढ़े लिखे होंगे तभी ये समर्थन दिए, अन्यथा अड़ियल हो जाते। और इन्हें पता है इस देश के वहाबी मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है, तभी भाई जानते भी हैं। एक वहाबी, मैं कसम से कह रहा हूँ, इस बोलना बंद कर दूंगा अगर एक वहाबी भाई के ऊपर, जो मुस्लिम वहाबी हैं, अगर उनके ऊपर एक मुकदमा आप दिखा दीजिए, बोलना बंद। वहाबी कौन होते हैं आप भाई, प्लीज आप बताइए। आप मुझे भी नॉलेज नहीं है वहाबी के बारे में, किसी और सुन्नी के बारे में। देखिए आप सिया सुन्नी तक रुके हैं, वहाबी वो मुस्लिम होते हैं जो जिनका संबंध मक्का मदीना से होता है, मक्का मदीना वाले वहाबी होते हैं। और सिया सुन्नी वाले जानते कौन है? ये ईमानदारी से भाई, ये सत्य है, इस देश में या पूरे विश्व में जो कायर थे, जो तलवारों से डर गए, जो तलवारों से डर गए, जो कायर थे, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर आपका डीएनए और मेरा डीएनए मिलाया जाए, कहीं ना कहीं मेरे बाप दादाओं के बाप दादाओं के डीएनए से आपका डीएनए मैच खाएगा, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हिंदुस्तान के हैं। कहीं ना कहीं आपके बाप दादा मुगलों के तलवार से डरे होंगे, तभी तो धर्म बदले होंगे। हो सकता है आप राजपूत हों, हो सकता है आप वैश्य हों, हो सकता है आप कुछ भी हो मेरे भाई, बुरा मन मानिए, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, लेकिन डर के मारा। लेकिन जिन्होंने बदला नहीं, हमारे बाप दादाओं ने बोला भाई 1,25,000 में एक लड़ाऊं, नारा सुने है ना भाई, गोविंद सिंह का था। रुके, सिख धर्म की स्थापना ही क्यों हुई? मर जाओ लेकिन धर्म मत बदलो। इनके दो दो बच्चे, कहा गया इनके दो दो बच्चों का धर्म मत बदलो, धर्म बदल दो छोड़ देंगे। बोले यार खूब लालच है ऐसे जीवन का, धिक्कार है ऐसे जीवन का, रोटी और खाने के लिए हम धर्म बदल दें। मरना पसंद है भाई, मरना पसंद है। और मेरा भाई पढ़ा लिखा है इसलिए मेरे बात का समर्थन दिया कि अगर वक्फ बोर्ड के बारे में यह है तो गलत है। मेरा भाई पढ़ा लिखा है इसलिए ईमानदारी से बोला। और हमें ऐसे नौ युवकों की जरूरत है, हमें AK-47 वालों की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर मेरा भाई कलाम के मार्गों पे चले गए, APJ अब्दुल कलाम के मार्गों पे, तो हम अपने भाई को सराखों पे रखेंगे। आज APJ अब्दुल कलाम की मूर्तियाँ इस देश में देखते हैं नहीं देखते? बिल्कुल। अगर मेरा भाई कसाब का विरोध करेगा तो मेरे भाई मैं आपका सम्मान कैसे करूँगा, आप बताइए? अगर मेरा भाई कसाब का समर्थन देगा तो मैं इसका समर्थन कैसे कर सकता हूँ? कसाब को गोली मरवाने में आपका योगदान होना चाहिए, बल्कि कसाब के संरक्षण के लिए आपका दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। अगर आप कसाब के लिए अपना दरवाजा बंद कर दें, ईमानदारी से कह रहा हूँ भाई, इस देश में कसाब पले ही ना, इस देश में 47 की गतिविधि हो ही ना। जम्मू कश्मीर में जिनके घरों के अलमारी के नीचे अलमारी में बनाकर 10 आतंकवादी घुसेरे गए थे, वो कहीं ना कहीं इस देश के कुछ गद्दार थे, फिर पता पाया गया तो वो एक मौलवी द्वारा संचालित जगह थी। अब मैं यही कहना चाहता हूँ, यह धार्मिक बात नहीं है, हमारे देश में ऐसे युवा हैं आपके सामने, आदर्श हैं, जो सत्य बात बोलते हैं कि हम कसाब को गोली मरवाने में सहयोग करेंगे और APJ अब्दुल कलाम के मार्गों पर चलेंगे, इस देश के राष्ट्रीय उत्थान में अपना योगदान देंगे। हमें ऐसे भाइयों की आवश्यकता है। अब इनसे हमारी कोई नफरत नहीं, आओ गले मिलते हैं। बिल्कुल, ये देखिए हम गले मिले, क्या आपत्ति है हमें? हम गले मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर ये भाई बोले कि बांग्लादेश के मुसलमान जो कर रहे हैं वो ठीक है, उनके हिंदुओं के साथ जो हो रहा है ठीक है, तब मैं भाई का विरोध करूंगा। लेकिन भाई ऐसा क्यों करेगा? कहीं भी अगर अत्याचार होता है, किसी पर भी अत्याचार होता है, तो वो कहीं तक भी ठीक है। और आपके सामने मैं दिखाता हूँ कट्टरपंथ नहीं है भाई, चल बोल देते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुस्लिम भाई है, वंदे मातरम बोल रहा है, भ्रम फैलाया गया है। ये मौलवियों द्वारा, मौलवियों से ऐसे बचने की हमें आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है इस देश में। बिल्कुल, देश इसी वजह से बचा भी हुआ है, इस देश का नाम इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं, हमें कलाम को बचा के कसाब को ठिकाने लगाना है। APJ अब्दुल कलाम की विचारधारा पे चलने वाले युवाओं का संरक्षण करना है, उन्हें हथेली पे रखना है ताकि उन्हें ये बोध हो ये देश हमारा है। लेकिन कसाब को याद दिलाते रहना है, आतंकवादियों तुम्हारे लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई बाहर निकल के उसे गोली मारे, उसके लिए दरवाजा बंद कर दे, तब तो ये देश सुरक्षित रहेगा ना, तब भाईचारे की बात अच्छी भी लगेगी। अब कोई व्यक्ति किसी भी मौलवी द्वारा पाए हुए फंड से समाज में जाता है, अपना नाम अब्दुल से अमित रख लेता है, हिंदू महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग करके उनके प्राइवेट वीडियो अपने पास रख कर फिर उनको बेबस लाचार करता है कि भाई धर्म बदलो, ये कहीं उचित है? मेरा नाम जो भी हो, मैं हिंदू धर्म का मत रखने वाला हूँ, भाई आप बताओ अगर मैं आपके घर की बहन बेटियों के साथ मुसलमान बन के संबंध बनाऊँ फिर उनको धर्म बदलवाऊँ, ये उचित है? नहीं उचित है, नहीं उचित। ये भाई साहब हमें मानवता के साथ रहना है इस देश में। भाई साहब सचिन पायलट की शादी किससे साथ हुई है? भाई सचिन पायलट की शादी फारूक अब्दुल्ला की बेटी से हुई। अब मुरारी बापू के पास आते हैं, नहीं ये क्या क्या ना, हम मुरारी बापू के पास आते हैं, कथावाचक हैं, इनके बेटी की शादी किसके साथ हुई है? आप देखिए क्या दंगे हुए, नहीं हुए ना। लेकिन ये कानून किनके लिए लाए जाते हैं? लव जिहाद विरोधी कानून, वो उन्हीं के लिए लाए जाते हैं जो नाम बदल के धर्म बदल के लोगों का ब्रेनवाश करते हैं, लोगों को बेबस करते हैं, लाचार करते हैं।